हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर पीएसपी पोर्टल पर आप कक्षा 5 व 8 के आवेदन पत्र की समेकित सूची किस प्रकार से डाउनलोड करें, कैसे उन्हें लॉक करें। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर जो ऑप्शन बने हुए हैं, जो टैब बने हुए हैं, उसके अंदर बोर्ड एग्जाम जो टैब बना हुआ है उस पर आ जाएंगे। यहाँ आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वह यहाँ पर कक्षा 5 व 8 के फॉर्म फिल करने के लिए रहता है, इसलिए आप इस पर नहीं जाएंगे। नीचे से जो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, विद्यार्थी मूल्यांकन कक्षा 8 कक्षा 5 आवेदन स्थिति, आप यहां इस टैब पर ओके कर देंगे। इस ऑप्शन पर आप यहां क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहां आपका सेशन पहले से सिलेक्ट रहेगा। सेकंड जो ऑप्शन है उसके अंदर मैं यहां कक्षा 8 सिलेक्ट कर रहा हूं। फिफ्थ के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा, आप यही प्रोसेस फिफ्थ के लिए दोहरा लें। मीडियम आप यहां पर हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम रहता है आप यहां सेलेक्ट कर देंगे। और यहां बने गो टैब पर आप यहां क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 8 के अंदर अध्ययनरत, उन सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। या आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नीचे तीन ऑप्शन आपके यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। व्यू ऑल, कक्षावार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करें, और विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। आप सीरियल से चलेंगे। फर्स्ट में आप यहाँ व्यू ऑल में जाएंगे। जितने भी फॉर्म हैं वो एक साथ यहाँ आपको शो होंगे जो आपने फिल किए हैं। आप उनको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन रहता है प्रिंट के लिए, आप यहाँ से इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप इनको एक बार मिलान कर लेंगे, चेक कर लेंगे स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ये सही है। सेकंड जो आपका ऑप्शन यहाँ रहता है वह रहेगा कक्षावार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करना। आप यहाँ स्टेप पर ओके करेंगे। ये जो सूची है आपके लिए मीडिएटरी रहेगी, आपको इसका प्रिंट लेना ही होगा, क्योंकि यही सूची आगे आपको नोडल जो संग्रहण केंद्र हैं वहाँ प्रेषित करनी है, तो इसको आप आवश्यक रूप से प्रिंट ले लें। इसके लिए भी ऊपर ऊपर आपके लिए प्रिंट ऑप्शन रहेगा, यहाँ आप क्लिक करके इसको प्रिंट ले सकते हैं। मैं यहां आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आप प्रिंट लेंगे। आप यहां अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो बना हुआ जो प्रिंट टैब है उस पर आप यहां क्लिक कर देंगे। दो कॉपी में आपको चाहिए तो आप यहां पर 2 सेलेक्ट कर देंगे और प्रिंट टैब पर क्लिक कर देंगे। आपकी समेकित सूची है जो वो उसका प्रिंट आउट यहाँ मिल चुका है आपको। उसके बाद में जो थर्ड जो ऑप्शन रहेगा आपके सामने वह है आवेदन जो पत्र जो है उनको सूची को लॉक करने का रहता है। इसके बाद में आप अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले आप चेक कर लें। सूची में सभी विद्यार्थियों को आप कृपया ध्यान दें, आप इसको ध्यानपूर्वक आवश्यक रूप से पढ़ लें। सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। एक बार कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा एवं यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। यदि आप श्योर हैं कि आपने जो डेटा फिल किया है वह सही है तो आप इसको ओके कर देंगे, अन्यथा आप इसको कैंसिल कर दें और इसको एक बार
रिकॉर्ड से मिलान कर लेंगे, उसके बाद में आप इसे प्रिंट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।